I don't know, it's just very high up. Well, it's the perfect sunset. Enjoy it. Perfect sunset. Perfect sunset. Yeah. Sunrise. Sunrise, sunset. It's weird. Dark. And dark. I did some yoga here, some sun gazing. And so you let the light into your spirit, and it's very wonderful. Hello. Hello, dosto. Kaise aap sab? Aap ye mere chehre par muskurat dekh rahe hain. Iski ek bahut badi wajah hai. Aapko main ek jagah dikha raha hoon. ये जगह आप देखिए, फिर मैं इस जगह के बारे में आपको बताऊंगा। पीछे मेरे सनसेट हो रहा है, लुक। ये जगह है मोरनी। मोरनी हरियाणा का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और ये क्योंकि अकेला हिल स्टेशन है और ये ब्लेसिंग्स है हरियाणा को कि यहाँ पर नेचर मेहरबान है। ज़्यादा हाइट पर तो नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत है। चंडीगढ़ यहाँ से बिल्कुल पास है। आप कभी चंडीगढ़ आए तो इस जगह को ज़रूर आप विजिट करें। यहाँ पर मैं अगर जो आपको दिखाऊँ, यहाँ एक कैंप साइट है, कैंप साइट है यहाँ पे, हिली एरिया है पूरा। ये देखिए कैंप साइट, यहाँ मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, बॉनफायर होने वाला है अभी। तो आपको मैं कैंप साइट सिखा रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर रेगुलर आता रहता हूँ एक्चुअली। जब भी कभी मेरा मन करता है, मैं पंचकुला में रहता हूँ, पंचकुला से तो और भी पास है। मोरनी एक ऐसा हिल स्टेशन है जो बिल्कुल अनटच्ड जैसा ही है। ये जब लॉकडाउन लगा था तब लोगों की नज़रों में आया था। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आए, जब पूरा इंडिया बंद था तो लोग यहाँ पर आया करते थे। अब आप ये देखिए कैंप साइट्स, यहाँ पे देखिए टेंट लग रहा है। ये आपको मैं एक कैंप दिखाता हूं, मैं अपनी आपको अपनी हट भी दिखाता हूं। आजकल इसमें थोड़ा काम चल रहा है। ये पीछे एक मंदिर है, सती मंदिर है ये। इस मंदिर के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, जब मैं इस मंदिर के पास आपको पहुंचूंगा। पहले मैं आपको ये दिखाता हूं ये जगह। देखिए थोड़ा अंधेरा सा हो रहा है, शायद आपको इतनी विजिबिलिटी इतनी अच्छी ना मिले, लेकिन यहाँ पर स्काई साइकिलिंग और यहाँ पर करीब 18 के करीब एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है। अब ये देखिए हेक्सागन टेंट है, नया टेंट है ये बिल्कुल। इसे देखते हैं खोल के। छोटा सा हो घर हो मगर खूबसूरत, ये उतना ही खूबसूरत है, लेकिन अभी अंधेरे में नज़र नहीं आएगा। एक टेंट ये लग रहा है यहाँ पर, सिंगल पर्सन के लिए टेंट होगा। ये देखिए यहाँ पर एक्टिविटीज़, दोस्तों है ना ये जगह मजेदार। मुझे मालूम नहीं है कि समय शाम का वक्त है, विजिबिलिटी इससे कितना क्लियर व्यू आ रहा होगा। ये एक टाइम स्पेंड करने की बहुत बढ़िया जगह है, जिसको होटल में ना रहना हो, भीड़ से दूर रहना हो, उसके लिए ये बेस्ट जगह है। वो आप मेरे पीछे देखिए, ये मंदिर, सती माता का मंदिर है ये। इस समय बंद है ये मंदिर। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जो मुझे यहाँ पर बताया गया है, जिस समय इस जगह की लेवलिंग हो रही थी उस समय कुछ यहाँ पर शिलाएं मिली थी और उन्हीं शिलाओं को एक जगह इकट्ठा करके यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, सती माता का मंदिर है। और मैं जो जगह दिखा रहा हूँ ये बेसिकली है पैराग्लाइडिंग साइट। पैराग्लाइडिंग यहाँ से होगी, लॉन्चिंग पैड है। और अगर जो आपको दूर दिख रहा होगा तो पीछे गांव नजर आ रहा होगा, इस पहाड़ के पीछे यहाँ पर होती है लैंडिंग। करीब 12 से 20 मिनट तक की फ्लाइट है, लेकिन अभी यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है,
उम्मीद है हो जाए, तो जो जिन्हें पैराग्लाइडिंग का शौक है उनके लिए एक बहुत बढ़िया जगह होगी। ये मैं कहीं से कर्मचारी पकड़ के लाया हूँ आग लगाने के लिए, पेमेंट ना कोई मिलेगी नहीं। सोनू द लेंसमैन, लेंस है नहीं आज, सिर्फ सोनू आया है। You kiss one, sir. So, John. Hello. Just show your face. Hello. So, tell me about this place. Describe this place. I don't know. It's just very high up. Say something about this place. Well, it's the perfect sunset. You enjoyed? Perfect sunset. Perfect sunset. Yeah. Sunrise. Sunrise, sunset. The sweet, the dark. And the I dark. Did some yoga here, some sun gazing. And so you let the light into your spirit, and it's very wonderful. How have you managed to get... Is this a your GoPro? Yo. How have you managed to get the screen on the front? So, dosto, ye hai meri khushi ka raaz. Isliye aaj main masti mein hoon. क्योंकि आज मैं घूमने निकला हूँ, मैं किसी ऑफिस डेस्क में नहीं बैठा हूँ और ना मेरा बैठने का मूड है। मिलते हैं जल्दी किसी खूबसूरत मंजिल पर, तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल वॉन्डर अजय के साथ।